अनुसार तो ऐसा कहा गया है कि हर चीज को रखने का अपना एक सही जगह होता है। क्या तिजोरी के साथ भी ये लागू होता है? तिजोरी को भी कई जगह है, निश्चित जगह है जहाँ पे धन से और आता है और गलत जगह रखने से धन की हानि होती है, ऐसा कुछ है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत प्रभाव पड़ता है। देखिए, घर में जो सेविंग का स्थान होता है वो नैऋत्य कोण और पश्चिम के बीच का जो स्थान होता है। किसके पश्चिम और? मतलब जो साउथ वेस्ट होता है और वेस्ट के बीच का स्थान जो होता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। वो स्थान होता है सेविंग का और एजुकेशन का। अच्छा। उस जोन में जो है अगर पैसा व्यक्ति रखे तो पैसा जल्दी उसका खर्च नहीं होगा और वृद्धि होगा। अच्छा। ये सबसे पावरफुल जगह होता है साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच में, साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच में, ठीक है। वो जगह जो होता है सबसे बेस्ट होता है। ऐसा क्यों, उस जगह में ऐसा क्या हुआ? वो स्थान ही है सेविंग एंड एजुकेशन का। कोई विशेष भगवान का भी है क्या मतलब? बिल्कुल, वहाँ के स्थान जो है धन संचय वाले देवता होते हैं ना, वास्तु में जो है देवताओं का स्थान होता है, तो उनसे उनका कनेक्शन होता है। जैसे पैसा आप कहाँ नहीं रखना चाहिए, SSW, साउथ और साउथ वेस्ट और साउथ के बीच का जो स्थान होता है, अगर वहाँ रख दिए तो बर्बाद हो जाइएगा, ठीक है। साउथ वेस्ट के बीच में नहीं रखना चाहिए। और WNW वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में अगर रख दीजिएगा तो वहां से पैसा आपका गायब हो जाएगा, ठीक है। और इसके अतिरिक्त अगर आपको जगह नहीं मिल रहा है तो आप नॉर्थ के तरफ भी जो है पैसे रख सकते हैं, वहां भी ठीक है। यानी सबसे शुभ कौन सा होता है? हाँ, वही है साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच में, साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच में सबसे वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। ओके, ठीक है।